हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रमन शर्मा एज एन आयल्स ट्रेनर, और बहुत दिनों के बाद आज लेके आया हूं एक बिल्कुल नया कंसेप्ट। सबसे पहले मैं आप लोगों को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं क्योंकि आयल्स के एग्जाम अभी होने शुरू हो चुके हैं और डेफिनेटली जल्दी जल्दी आप अपनी प्रेपरेशन कीजिए और एग्जाम बुक कीजिए और डेफिनेटली अपने ड्रीम्स को पूरा कीजिए और विद रमन आयल्स। हमेशा कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आऊं जिससे आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। आज का जो कंसेप्ट है वो है आयल्स रीडिंग। बहुत बार सोचा है कि रीडिंग टफेस्ट है, बोरिंग है, इसमें इंटरेस्ट नहीं बनता। बिलीव कीजिए, एक वीडियो जस्ट 15-20 मिनट्स का होगा और वीडियो देखने के बाद आपको रीडिंग अगर इंटरेस्टिंग ना लगे तो मैं काइंडली आपको बोलता हूं कि चैनल को अनसब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में जरूर बताना कि रीडिंग समझ नहीं आई, मगर अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए बना है, वैल्यूएबल है, और डेफिनेटली आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, और नई नई जो जो आपको वीडियोस चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और मैं आपके लिए वो सारी वीडियो लेके आता रहूंगा। जो नए आए हैं मेरे चैनल पे, मैं किसी को पहले नहीं कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करने को, पहले आप मेरी वीडियोस को देखो। अगर आपको लगता है कि ये बंदा है जो आयल्स क्लियर करवाएगा, जो इंडिया रहते हैं, कनाडा रहते हैं, या कहीं पे भी रहते हैं, 9 बैंड टारगेट मैं लेके चलता हूं और जो बच्चा फॉलो करेगा और डेफिनेटली अपना स्कोर है वो लेके आएगा ही आएगा और बहुत अच्छे तरीके से उसका स्कोर है जो वो बूस्ट होगा। सो टाइम को वेस्ट नहीं करते और आते हैं मेरी क्लास पे। आयल्स रीडिंग मैं आपको क्या टीच करूंगा ये बता दूं आपको। आज मैचिंग और लिस्ट ऑफ एडिंग, ये दोनों सेम कंसेप्ट होते हैं, और आप लोगों को ट्रिक्स बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताना, अगर बुरा भी लगे तो भी बताना, और माफ कीजिए 2 or 3 days में मिस था क्योंकि आई हैड फ्यूर प्रॉब्लम्स, माय हेल्थ प्रॉब्लम थी थोड़ी बहुत, मगर आप लोगों का प्यार है और आप लोगों के लिए वैल्यूएबल मैं यहां पर पहुंच चुका हूं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आइए करते हैं मेरी क्लास शुरू और उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत प्यार करोगे और अंडरस्टैंड भी करोगे। तो आइए मेरी क्लास में और देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या कंसेप्ट है। टॉपिक का नेम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ABCDEF। मेरे पास 6 हैं जो पैराग्राफ्स हैं और यहां पे मेरे पास 6 क्वेश्चंस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप लोग कंफ्यूज पता है कैसे होते हो, कंफ्यूज होते हो सबसे पहले आप लोग ये पढ़ते हो प्रॉपरली कि ये हमारे इंफॉर्मेशन लेनी है ना, यहां पे 7 पैराग्राफ हैं, कौन से में कौन सी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, और ये मैचिंग और लिस्ट ऑफ हेडिंग लगभग दोनों सेम ही होते हैं। और मैंने आज जो रीडिंग उठाई है बिल्कुल एग्जाम लेवल की रीडिंग है, आपको कंफ्यूज करने वाली बातें एक एक बात को क्लियर करूंगा और 15 or 20 मिनट्स में आपका जो एग्जाम है वो क्लियर करने की मैं आपको प्रॉमिस करूंगा। तो शुरू करते हैं मेरी क्लास को। सबसे पहला कंसेप्ट हम शुरू करेंगे और पैराग्राफ मेरे पास है ए, पैराग्राफ ए को हम शुरू करते हैं, दैट्स ओके। ड्यूरिंग जुलाई 2003 के दौरान द म्यूजियम ऑफ साइंस इन द कैम्ब्रिज मेटास्टासिस एक्सिबिटेड व्हाट होंडा कॉल्स द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट एसिमो। और ये बात बता दूं कि सारी की सारी चीज, अगर आपको ट्रांसलेशन में थोड़ी दिक्कत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने एक एक वर्ड को क्लियर करना है, प्रोनंसिएशन मैटर नहीं करती क्योंकि आप लोगों को चाहिए आपका आंसर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इन्होंने अभी यह बताया कि 2003 के दौरान एक रॉबोट था जिसका नाम एसिमो था, वो बनाया गया। होंडाज ब्रेन चाइल्ड इज ऑन टूर इन नॉर्थ अमेरिका एंड डिलाइटिंग ऑडियंस वेयर एवर इट गोज। जहां पर भी इस रॉबोट को लेके जाते थे तो ऑडियंस बड़ी खुश होती थी। After 17 year in the making, Asimo stands 4 feet tall. मतलब 17 साल इसको बनाने में लगे और ये 4 फुट ऊंचा वेट में था, 115 pounds, मतलब 115 pounds इसका वेट था। Bob like child in the astronaut suit. और एस्ट्रोनॉट सूट वो होता है जो अंतरिक्ष में डाल के जाते हैं ना, वो साइंटिस्ट होते हैं वो वाले। Though it is difficult to see Asimo, Asimo robot है, ठीक है, और रॉबोट का नाम सुनकर ना हमारे माइंड में क्या एक चिट्टी आता है, वो रॉबोट मूवी वाला है ना, वैसा कुछ। मगर याद रखिए, जो मशीन ह्यूमन का काम आसान करे दैट इज कॉल्ड अ रॉबोट। फेस अ डिस्टेंस ऑन क्लोजर इंस्पेक्शन इट हैज अ स्मॉल
इट हैज अ स्माइल एंड टू लार्ज आईज दैट कंसील कैमरास। उसके फेस को देखना ना मतलब थोड़ा मुश्किल था, जब हम उसको करीब से देखते थे तो उसके जो आंखों की वाली जगह थी वहां पे दो कैमरास फिट थे। द रॉबोट कैन नॉट वर्क ऑटोनॉमसली, ऑटोनॉमसली होता है अपने आप, जो रॉबोट्स होते हैं वो अपने आप काम नहीं कर पाते, इट्स एक्शंस आर रिमोट कंट्रोल्ड, डेफिनेटली रिमोट कंट्रोल्ड होते हैं बाय साइंटिस्ट थ्रू द कंप्यूटर इन इट्स बैकपैक, उसके एक बैकपैक पे कंप्यूटर था। येट वॉचिंग एसिमो परफॉर्म एट अ शो इन द मिस्टेसिस इट सीम्ड अनकैनली ह्यूमन, बिल्कुल एक बंदे जैसा लगता था। यहां तक हमने पढ़ा कि 2003 में 17 साल लग गए, एक रॉबोट तैयार हुआ, उसका नाम एसिमो है, दैट्स वेरी गुड, और वो 4 फुट ऊंचा है, 115 पाउंड उसका वेट है, बॉब लाइक चाइल्ड है, एस्ट्रोनोट सूट में है, उसकी आंखों की जगह पे कैमराज बने हुए हैं, रिमोट अपने आप, जो रॉबोट्स होते हैं वो अपने आप काम नहीं करते ना। द ऑडियंस चीयर्ड द एसिमो वॉक्ड फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, जो एसिमो था ना वो फॉरवर्ड भी जाता था, बैकवर्ड भी, आगे भी जाता था, पीछे भी जाता था, साइड टू साइड, इधर भी जाता था उधर भी जाता था, अप एंड डाउन स्टेयर, जो स्टेयर्स होते हैं उनको चढ़ता भी था उतरता भी था। इट कैन इवन डांस टू द हवाइन हुला, और ये एक हवाइन हुला एक एक्टिविटी है, जो डांस है वो उसके ऊपर भी डांस करता था। यहां पे सब कुछ एसिमो के बारे में हमें बताया गया। और आइए यहां पे 1 to 6 में हमने क्या करना है, कभी भी ये मत सोचो कि ये मेरा आंसर है, आप कभी भी आंसर नहीं ढूंढ पाओगे। अगर आंसर चाहते हो ढूंढना तो आपने क्या ट्रिक है उसको फॉलो करना है, आओ बताता हूं मैं आप लोगों को। द डिफरेंट यूज ऑफ रॉबोट्स इन सोसाइटी, देखो इसकी मैंने बिल्कुल बात नहीं की, ये तो आंसर नहीं आ सकता। रेफरेंस टू द फर्स्ट यूज ऑफ वर्ड रॉबोट, ये तो कोई बात नहीं की ना। क्रिटिसिज्म टू द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द ह्यूमनॉइड रॉबोट्स ऑन द सोसाइटी, आप भी सोचिए और कमेंट में बताइए मुझे आपको क्या लग रहा है आंसर। और कोई कंपैरिजन भी नहीं किया, कोई अडल्ट के जैसा भी नहीं बनाया, तो एक्यूरेट आंसर मेरे पास एक ही बचा, एक क्या बचा ध्यान से देखिए, हाउ रॉबोट इज यूज इन आर्टिस्टिक वर्क। बहुत लोगों को कंफ्यूज होगा, आर्टिस्टिक वर्क की बात ही नहीं की सर, की है बच्चे, यही तो कंफ्यूजन है रीडिंग का। उन्होंने बताया ना ये डांस भी कर सकता है हवाइन हुला के ऊपर, और डांस करने वाली सभी चीजों को आर्ट में जोड़ा जाता है, तो एक्यूरेट आंसर क्या हो गया। अभी हमने क्या करना है, जो हमारा सेकंड है, सेकंड का आंसर आ गया हमारा ए, आपने इस तरीके से इसको फॉलो करना है। देखो कोई सोसाइटी की बात नहीं की, ये भी नहीं आएगा, कोई अडल्ट जैसा भी नहीं बनाया, कोई डिफरेंस भी नहीं बताया, नेगेटिव भी नहीं बताया, उसका वर्ड रॉबोट भी नहीं बताया, तो बचा तो एक ही ना, तो एक्यूरेट आंसर बन गया ए। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट, नेक्स्ट में हम क्या चेक करेंगे, पैराग्राफ बी में टीच करूंगा और आप लोगों को चांस दूंगा, अगर आप आंसर्स को सही लिखोगे तो इनमें से कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स को मैं अपनी ओर से एडमिशन भी गिफ्ट करूंगा। तो आइए पैराग्राफ हम बी देखते हैं, तो इसमें उम्मीद है कि आप लोग अंडरस्टैंड करोगे। कॉग, एक कॉग बनाया गया, शॉर्ट ऑफ कॉन्गेशन है, इज अनदर पायनियरिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम द MIT फॉर्मर AI लैब, आर्टिफिशियल लैब में एक रॉबोट बनाया गया जिसका नाम कॉग है। कॉग हैज हेड, एक हेड है, आईज है, टू आर्म्स है, हैंड्स एंड टॉर्सो, मतलब उसके बॉडी पार्ट्स हैं जो जो कॉग है उसको बनाया गया। एंड इट्स प्रोपोर्शन वर ओरिजिनली मेजर्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ रिसर्चर इन द लैब, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर है, उसकी जो बॉडी है ना उसको बिल्कुल किसकी तरह बनाया गया, एक रिसर्चर था, एक रिसर्चर जो लैब में काम करता था उसके जैसा रॉबोट बनाया, और आपके माइंड में बात खड़कनी चाहिए। देखो चेक करके देखते हैं हम यहां पे, क्योंकि ये देखिए यहां तक आर्टिस्टिक वर्क ये तो हो गया, और यहां पे कोई रेफरेंस नहीं दिया फर्स्ट वर्ड रॉबोट का, नहीं नेगेटिव भी नहीं दिया, नहीं कोई कंपेरिजन भी नहीं किया, नहीं कोई सोसाइटी पे यूज नहीं बच्चे, तो बचा कौन सा, अ रॉबोट दैट वॉज मॉडल्ड ऑन एन अडल्ट, एक रॉबोट जिसको अडल्ट के जैसा बनाया गया। और डेफिनेटली आप लोग समझ ही चुके होंगे कि जब उन्होंने बताया कि इसके आईज जो भी इसके बॉडी पार्ट से वो बता दिए, और उसके बाद इन्होंने बताया कि बिल्कुल एक रिसर्चर था लैब में उसकी बॉडी के जैसा बनाया, तो डेफिनेटली वो मॉडल्ड कैसे हो, अडल्ट जैसा, और रिसर्चर तो अडल्ट हो गई होगा ना भाई, तो थर्ड का आंसर बन गया बी। देखो छोटी छोटी बातें होती हैं और इन्हीं में से आंसर होते हैं, टेस्ट है, थोड़ा कंफ्यूज तो वो करेंगे ना। तो आइए पैराग्राफ सी देखते हैं, और उम्मीद करूंगा मैं फास्ट इसीलिए करवाता हूं कि बहुत शॉर्ट टर्म में आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर कर सकें।
दिस वर्क एट MIT इज गेटिंग फर्दरेस्ट डाउन द रोड ऑफ क्रिएटिंग ह्यूमन लाइक इंटरेक्टिव रोबोट्स. वो चाहते थे कि रोबोट्स बनाएं बिल्कुल जैसे ह्यूमन इंटरेक्ट करते हैं और वैसे रोबोट्स. सम साइंटिस्ट आर्ग्यू दैट एसिमो इज अ ग्रेट इंजीनियरिंग फीट बट नॉट एन इंटेलिजेंट मशीन. वो सोचते थे कि जो साइंटिस्ट सोचते थे कि जो एसिमो है ना वो एक अच्छा है, ठीक है, मगर कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो इंटेलिजेंट मशीन नहीं है. बिकॉज इट इज अनेबल टू इंटरेक्ट ऑटोनॉमसली विद अनप्रेडिक्टेबिलिटीज इन द एनवायरमेंट इन मीनिंगफुल वेज. वो नहीं चाहते थे कि रॉबोट है जो वो अपने तरीके से काम, मतलब यार वो ये क्लियर करना चाहते हैं कि जो रोबोट है ना वो अपने आप काम नहीं करता, उसको कमांड देने की जरूरत होती है, इसलिए वो एसिमो को अच्छा नहीं मानते. एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस रोबोट एक्सपीरियंस, और वो एक्सपीरियंस से लर्न भी नहीं करता, ह्यूमन के साथ अपने आप इंटरेक्ट भी नहीं करता. रोबोट्स लाइक कॉग एंड किस्मत, जो रोबोट है वो कॉग और किस्मत एंड न्यू रोबोट्स एट MIT CSL एंड मीडिया लैब. ये बात देखो आप लोग, एसिमो, कॉग और किस्मत, इनका क्या किया, कंपैरिजन किया. पहले एसिमो के बारे में बताया और फिर इन्होंने जो कॉग है जो किस्मत है उसके बारे में भी बताया. तो डेफिनेटली हमारे पास क्या हो गया, कंपैरिजन हुआ है यहां पे, और डेफिनेटली इसका आंसर आपको सी मिलेगा ही मिलेगा. आपको लग रहा है कि आपको रीडिंग में समझ आ रही है. देखो छोटी छोटी बातें जो छुपी हुई हैं और उनको हमने क्लियर करना है, कंसेप्ट है वो क्लियर हो गई होगा. पैराग्राफ हम देखते हैं डी. These are exciting developments. ये developments ना बड़ी exciting सी. Creating a machine that can walk, एक machine जो walk कर सकती है. Make gestures, gestures होते हैं चेहरे के हाव भाव बना सकती है. And learn from its environment, और अपने environment से भी सीख सकती है. Is an amazing achievement. ये एक amazing achievement है. And watch this space. These achievements are likely rapidly to be improved upon. और ये बहुत इंप्रूव करते जा रहे हैं. Humanoid robots could have a plethora of uses in society. सोसाइटी में ह्यूमन के रॉबोट, जो ह्यूमन रॉबोट है उसके बहुत सारे यूजेस हैं. हेल्पिंग टू फ्री पीपल फ्रॉम एवरीडे टास्क, जो हर रोज के काम है उनमें हेल्प करते हैं. जापान फॉर एग्जाम्पल, देयर इज एन एम टू क्रिएट रॉबोट्स दैट कैन डू द टास्क सिमिलर एंड एवरेज. जापान में ऐसे रॉबोट्स बनाए जाते हैं जो बिल्कुल वैसा काम करते हैं जैसे एक बंदा काम करता है, ह्यूमन काम करता है. इन मोर सोफिस्टिकेटेड सिचुएशन, बड़ी हार्ड सिचुएशन में भी काम करते हैं. एज फायर फाइटर्स, जो आग बुझाते हैं. एस्ट्रोनॉट, जो अंतरिक्ष में जाते हैं. और मेडिकल असिस्टेंट. तो आप लोगों को पता चल ही गया, और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे से पहले कॉमेंट में आंसर बता दें. आपको दिया मैंने 30 seconds, 30 seconds में अगर आप आंसर बता सकते हो तो डेफिनेटली आप किंग हो. आई एम वेटिंग. हाँ ये बताता हूं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और ये भी नहीं आएगा. बचे कौन से? तो डेफिनेटली आप अगर वन को यूज करोगे, क्योंकि डिफरेंट यूजेज हैं रॉबोट के सोसाइटी में, तो एक्यूरेट आंसर यहां पे डी आएगा. अगर आपको समझ आ रहा है, आपको लग रहा है वैल्यूएबल है, तो अब भी चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर नहीं लग रहा तो मैं बिल्कुल नहीं फोर्स करूंगा. प्यार आपसे दिल से है और दिल से पढ़ाता हूं. थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार करते हो. सो आइए पैराग्राफ हम देखते हैं ई. सो इन एडिशन टू दीज पोटेंशियली क्रिएटिव प्लांट्स, देयर लाइज अ सर्टेन डीह्यूमनाइजेशन. डीह्यूमनाइजेशन पता क्या होती है? जब हमें यह फील होता है कि यार बंदे की वैल्यू है ना वो कम होती जा रही है. द आइडिया दैट कंपेनियंस कैन बी रिप्लेस्ड विद मशीन्स. कंपेनियंस होते हैं दोस्त. एक आइडिया है यार, जो कंपेनियंस है ना, जो दोस्त है ना, वो मशीनों ने मतलब उनको चेंज कर दिया. लोगों ने अपने मोबाइल को अपना दोस्त बना लिया, बात खत्म. फॉर एग्जाम्पल, सजेस्ट अ मैकेनिकल एंड डिग्रेडेड नोशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप. जो बंदे की रिलेशनशिप्स हैं वो खत्म हो चुकी हैं अभी, क्योंकि रॉबोट्स ने पूरा हावी हो चुका है. ऑन द वन हैंड दीज डेवलपमेंट एक्सप्रेस अ ह्यूमन क्रिएटिविटी. एक तरफ तो ह्यूमन की क्रिएटिविटी है कि भाई यार देखो ह्यूमन ने क्या बना दिया. अर एबिलिटी टू इन्वेंट एक्सपेरिमेंट एंड टू एक्सटेंड अर कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड. हमारा कंट्रोल वर्ल्ड पे हो चुका है, ये फाइनल है. ऑन द अदर हैंड, मगर इसका दूसरा हिस्सा देखते हैं. द एम टू क्रिएट अ रॉबोट लाइक अ ह्यूमन बींग इज अ स्पर्ड ऑन बाय डीह्यूमनाइज्ड आइडिया. ह्यूमन की वैल्यू कम होती जा रही है. मेरा एक दोस्त था, मेरे को उसने ना मिलने की बजाय मेरे को कार्ड भेज दिया व्हाट्सएप पे. व्हाट्सएप पे कार्ड पता क्या भेजा, कि भाई मेरी शादी है.
मैंने सोचा यार वो आया क्यों नहीं उसने जस्ट ऐसे, और मैंने भी क्या किया 2100 रुपए ले फोटो खींच के भेज दी। मैं कहा ले भाई शगन तू यहीं से ले ले, मतलब कह के मशीनों ने ह्यूमन को रोक लिया। ठीक है, बाय द सेंस दैट ह्यूमन कंपेनियनशिप कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय मशीन, ह्यूमन ने अपना दोस्त मशीन को बना लिया। दैट ह्यूमन लॉस्ट देयर ह्यूमैनिटी व्हेन दे इंटरेक्ट विद टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के साथ जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो उन्होंने अपनी ह्यूमैनिटी को खत्म कर दिया। और दैट वी आर लिटल मोर देन सरफेस एंड रिचुअल बिहेवियर्स दैट कैन बी सिमुलेटेड विद द मेटल एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। दोस्ती किसके साथ रहेगी? मेटल के साथ और इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ। तो डेफिनेटली बचा एक था, अ क्रिटिसिज्म ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमनॉइड रोबोट्स ऑन द सोसाइटी। तो आपको बिल्कुल पता चल चुका होगा कि सोसाइटी पे कितना प्रभाव पड़ रहा है। और लास्ट पे बचा एक क्वेश्चन और एक स्टेंजा, तो हम इसको आपको दो लाइनों में क्लियर कर देता हूं। टेंशन बिटवीन द डीह्यूमनाइज्ड एंड द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ द रोबोट हैज लॉन्ग बीन एक्सप्लोर्ड इन द कल्चर। इन द कैरेक कैपियो कॉसमे यूनिवर्सल रोबोट्स 1921 प्ले इन विच द टर्म रोबोट वॉज फर्स्ट क्वाइंड। फर्स्ट क्वाइंड होता है कि मार्केट में पहली बार रोबोट का नाम आया, और यहां पे हमारे पास बचा भी तो एक ही था ना, क्या बचा था? अ रेफरेंस टू द रोबोट, द यूज ऑफ वर्ड रोबोट। तो डेफिनेटली इसका आंसर एफ हो चुका है। तो मैं उम्मीद करूंगा, मैंने आज की रीडिंग में आपको एक बार ओवरऑल मैं बता दूं, मैंने कुछ नया नहीं किया। पैराग्राफ 8 रीड किया, एलिमिनेशन मेथड अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर है वो बूस्ट होगा। यहां पे आके ये नहीं मैच करना कि ये रहा आंसर, यहां पे आके ये मैच करो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और जो बचेगा वो आपकी घंटी तो बजेगी ही बजेगी। अगर वीडियो में कुछ भी समझ आया हो, कोई भी डाउट हो, तो कमेंट करके बता देना, डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा और सॉल्यूशन दूंगा ही दूंगा। लव यू एवरीवन, टेक केयर, गुड बाय, रमन शर्मा। ऐसे ही बने रहो। अगर वीडियो अब अच्छा लगा तो चैनल को अब सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी करवाओ। थैंक यू सो मच, लव यू, और वेट कर रहे हैं 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की, और आप लोगों के प्यार के साथ ही वो कंप्लीट होंगे। अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो अपना छोटा बड़ा भाई दोस्त कुछ भी मान के माफ कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, गुड बाय, रमन शर्मा।